मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी आश्रय शर्मा सुखराम का पोता होना ही अपनी योग्यता बता रहे हैं। यह बात उन्होंने नाचन विधानसभा क्षेत्र के जाच में आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि दादा और पोते ने ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर दी जिसके कारण अनिल शर्मा को भी परेशानी में डाल दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पंडितों ने आश्रय शर्मा का नाम भी ऐसा रखा है जिसे सराजी बोली में बोलना भी मुश्किल होता है। वो राम स्वरूप जी से पूछ रहे कि भी आपने क्या किया सांसद के नाते, तो राम स्वरूप जी बोलते कि मैंने तो ये किया, मैंने तो ये किया जो सांसद के नाते कर सकते थे। फिर राम स्वरूप जी ने उनसे पूछा कि आपने क्या किया, बोलता मैं तो दादू का पोता हूं, अपनी योग्यता इसी को मान रहे। और मैं सोच रहा हूं ये जो दादू पोछे की सोचा नहीं हुई इसकी भी इनकी भी ऐसी होनी मेरे लगता है। दो दो हमारे वो दो सुखराम जी और जो कांग्रेस का कैंडिडेट है आश्रय शर्मा ना हम भी हमें राज्य में ना मुश्किल रहा। इडा भी पढ़ते हो कि नामकरण तो पढ़ करते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज देश भर के लोगों के दिलों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज कर रहे हैं, उनका दोबारा से प्रधानमंत्री बनना तय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे किसी भी चौक चौराहे पर खड़े होकर किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, हर जगह मोदी मोदी के नाम के नारे लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग खुलकर अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहे, लेकिन सभी मोदी को सालों तक देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। इससे बड़ी कोई और बात नहीं हो सकती। अब बेचारे को उसकी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पा रहा वो बुजुर्ग आदमी, लेकिन दिल में बैठी है कि मोदी को वोट देना है। एक जगह और देखा हमने कि पूछा भाई बताओ किसको वोट देना, बोलते मोदी को देना, बोलते क्यों देना, बोलते वो ठीक आदमी है, बोल क्या ठीक आदमी है, क्या क्या किया उसने ऐसा ठीक आदमी, बोलते बहुत ज्यादा ठीक आदमी है वो, उनको वोट देना मैंने। अपनी भावनाएं गांव का आदमी व्यक्त नहीं कर पा रहा है कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन मोदी ठीक है ये दिल में बैठ गई है, बात की छुट्टी है बस, बाकी खत्म। इससे ज्यादा क्या चाहिए, मेरे भाषण से क्या होना है, दो शब्दों में बात आदमी क्या जाता है कि तो मोदी ठीक आदमी, बात खत्म बस। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताजा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।